आज हम बनाएंगे कुछ हटकर नया, सिर्फ आलू और गाजर से एकदम क्रिस्पी नाश्ता, जिसे आप देखते ही बनाएंगे। एकदम ऑयल फ्री नाश्ता, एकदम आसान, कम सामग्री में। तो हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए हम दो आलू और एक गाजर छील लिए हैं। इसे हम कद्दूकस कर लेंगे एकदम पतला। गाजर को भी हम इसी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो मैं पतले की तरफ से कद्दूकस कर रही हूँ, ताकि इसे हमें ढक के नहीं पकाना पड़ेगा। हमने गाजर को भी कद्दूकस कर लिया है। अब हम यहाँ पे कोई भी बर्तन लेंगे, इन दोनों सामग्री को अच्छी तरह से डाल देंगे। फिर हम इसमें आधा छोटी कटोरी बेसन लेंगे, आधा छोटी कटोरी चावल का आटा, नमक स्वाद अनुसार। आप सिर्फ बेसन या चावल से भी इसे बना सकते हैं। चाट मसाला आधा चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच, हरे मिर्च कटे हुए दो। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है, इसे मिक्स करते टाइम ही ये पानी छोड़ देता है। तब तक हम एक तवा रखेंगे, जब ये गर्म हो जाएगा तब उसमें ऑयल लगा लेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा थोड़ा लगाना है। इसे हम पूरा गोल आकार में इस तरह से कर लेंगे हाथों से। इसे 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर हम तलेंगे। जब ये पक जाएगा एक तरफ का, तो हम ऊपर से ऑयल लगा देंगे। फिर इसे इस तरह से पलट देंगे, इसे पलटने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही क्रिस्पी बनता है। मैंने 5 मिनट 5 मिनट दोनों तरफ फ्राई किया है। बस ये मेरा रेडी है। इसे आप कट करके खाएं या इस तरह भी खाएं, कोई भी चटनी के साथ। तो आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बना है, एकदम कम समय में और एकदम कम सामग्री में। ये जितना देखने में अच्छा लगता है, उतना खाने में भी। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। कम समय में, कम सामग्री में एकदम टेस्टी नाश्ता। बाय दोस्तों।